समाजवादी पार्टी बहन ममता बनर्जी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मदद करेगी, और हम आपसे भी अपील करेंगे इन नफरत वालों को हराइए। इन्होंने नफरत फैला करके उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता है। हर बात भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, नोटबंदी पे झूठ बोला इन्होंने, लेबर पे झूठ बोला, जो हमारे मजदूर लोग आए कहाँ कहाँ से चल कर के। इसका मतलब आप ऐसा है ना, कुछ जानते नहीं हो, रात में लगा जल्दी सो जाते होगे। ऐसा है, समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने, आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने कहा, इतना स्ट्रॉन्ग किसी पार्टी ने नहीं कहा कि ये तीनों कानून हैं जब पास हो जाएंगे ये डेथ वारंट है किसान के लिए। और लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। आप इनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहिए कि आप बताओ धान का कहां आपने MSP दिलवाया, एक जगह हमें बता दो, एक जगह हमें बता दो। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी मिस्ड कॉल का इंतजाम कर लेती है कि अगर आपको सदस्य बनना है मिस्ड कॉल दीजिए। हम इन्हीं भारतीय जनता पार्टी लोगों से जानना चाहते हैं वो फोन नंबर बताओ जिस पे किसान मिस्ड कॉल दे जिसे MSP मिल जाए। समाजवादी पार्टी अकेले लड़ रही है और जो छोटे दलों के साथ गुंजाइश रखेगी उनके लिए रास्ता खुला है। उनको मैंने कहा, उनके लिए मैंने पहले ही कह चुका हूँ, वही मेरा पक्ष है कि उनके लिए भी रास्ता खुला है। नहीं, अगर कोई और जीतने लायक होगा तो विचार कर लेंगे, लेकिन अभी तो वही है बात। नहीं, उनका उनके क्षेत्र में नहीं लड़ेंगे, उन्हें सरकार में कहा कि मंत्री बनेंगे, सम्मान मिलेगा, वो अलग बात, लेकिन अगर कोई जीतने वाला राजनीतिक परिस्थिति होंगे तो विचार करेंगे। बीजेपी 12 नॉमिनेशन कर दिए उन्होंने, दो और बड़ा कर दिए। अच्छा अच्छा 10 पे दो, तो अभी हाँ 13 नॉमिनेशन हो गए, तो अच्छा है, वो तो चुनाव अच्छा है। अब कल जो लोग जो विधायक आपसे मिले थे उनके साथ 6 विधायक और हैं, यानी 7 लोग हैं जो बाकी। तो अभी क्योंकि मैं शिविर में था कि किसने और नॉमिनेशन किया मेरी जानकारी नहीं है। अगर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों का सम्मान करना पड़ेगा। नहीं, उनके भी विधायक भागने को तैयार है क्योंकि उन्हें पता है कि कितनों की टिकट कटेगी। सरकार कह रही है हम धान खरीद लेंगे, नंबर 1 है, जबकि किसान का धान नहीं खरीदा गया। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोले में नंबर 1 है। अरे हम यहाँ बैठे जब खींचोगे तो मैं ही आऊंगा ना पीछे, अगर मेरी फोटो खींचोगे तो क्या आएगा, हम और 22 में 22 के। श्रावस्ती में पहले परशुराम मंदिर का निर्माण और उसके बाद प्रशिक्षण शिविर, क्या माना जाए? देखिए, भगवान परशुराम और जितने भी हमारे भगवान विष्णु के अवतार हैं हम सबको मानते हैं। नहीं, हम पहले भी मानते थे और आगे मानते हैं। हमारे गांव में देखिए आप, बहुत पुराना मंदिर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि क्या कर रहे हैं ये लोग। देखिए, वैक्सीन पर वैक्सीन को लेकर के हमने साफ कहा कि हमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स उन पर कोई शिकायत नहीं है, और जो वॉलंटियर जो अपने आप आ रहे हैं और ट्रायल्स में जो सहयोग देने में कोई शिकायत नहीं है। शिकायत केवल इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बताए कि कब गरीबों को मुफ्त में फ्री वैक्सीन लग जाएगी और पूरे के पूरे प्रदेश के लोगों को किस तारीख तक वैक्सीन लग जाएगी। मान लीजिए अमेरिका है, सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई है, वहाँ के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि 100 दिन में हम 100 मिलियन वैक्सीन लगाएंगे। आप सोचिए, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और गोंडा कितने लगाएंगे वैक्सीन, ये बताइए, कितने दिन में लगा देंगे 100% हमारे गरीबों को, और क्या फ्री लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आपने वैक्सीन का विरोध किया था, अब क्या आप यूटर्न ले रहे हैं क्या, मतलब नहीं, आपने पूरी बात ही नहीं जानी। अभी आपने कहा, इससे पहले आपने कहा बीजेपी के वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हमने कहा, हाँ अब उसकी अगली लाइन भी सुन लीजिए, हमने कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार ये बताए कि हमारे गरीबों को फ्री वैक्सीन कब तक लग जाएगी और सबको कब तक लग जाएगी, वो भी समय बताएं, और आने वाले समय में 1 साल बाद समाजवादी सरकार बन रही है, हम सबको फ्री लगाएंगे और हम भी लगवा लेंगे, क्या गलत कहा हमने? 2000
वैक्सीन को लेकर राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों को वैक्सीन फ्री नहीं लगाना चाहती। आपके वैक्सीन के सवाल पर रुधौली के विधायक हैं, अयोध्या से आए थे भ्रमण पर बलरामपुर, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी को बिना कुछ किए ही राजनीति विरासत मिली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप वो बात ठीक कह रहे हैं, बहुत जानकार होंगे, बहुत समझदार नेता होंगे। हैं? अपनी पार्टी से गए? अच्छा वो गए, अरे छोड़ो कहाँ बात। अखिलेश जी ये बताइए कि चाचा ने आपके कहा कि ईवीएम के सहारे बीजेपी बेईमानी कराकर चुनाव जीत रही है, आपका क्या? देखिए समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप आज भी चल रहे हैं, ऑन करोगे तो हम और नेता ही दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे? तो आप सोचिए अमेरिका जैसे में सवाल उठते हैं, वहाँ भी वोट बैलेट से पड़ रहा है। अभी बनारस में वोट बैलेट से पड़ा, बीजेपी हारी कि नहीं हारी? तो अभी लोगों को भरोसा नहीं है। हमारी मैंने वर्कर से कहा कि सरकार बनाइए फिर इसको आगे ले जाइए, क्योंकि उलझिए मत, आप पहले हराइए भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट डाल करके। ये इस बार इतना वोट पड़ेगा कि ईवीएम भी रिकॉर्ड करेगी, देखना। अब हमारे सवाल का जवाब आया, सवाल का जवाब नहीं आया है। क्या? बिल्कुल आया नहीं। बीजेपी की तरफ से जो अभद्र त्रिपुटी की जा रही है, जो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ये भाषा राजनीति में इस तरह की भाषा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कोई राजनीति में इस तरह की भाषा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। 2022 इतने मुद्दे हैं कि आपको भी जेल भेज देंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। किसी को भी जेल भेज सकती भारतीय जनता पार्टी, किसी पे भी झूठ के मुकदमे लग सकते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री ने और सबने अपने मुकदमे वापस ले लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।